गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वीडियो में हम हिंदी में करंट अफेयर्स कवर करेंगे। क्लेयर पोलोसेक, जो कि फर्स्ट फीमेल अंपायर बनी हैं, जिन्होंने मेंस वनडे इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग की है, वो किस देश से हैं? राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। मिस क्लेयर पोलोसेक हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से हैं और वो फर्स्ट फीमेल अंपायर बनी हैं जिन्होंने मेंस वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में अंपायरिंग की हैं। उन्होंने नामीबिया और ओमान के बीच मैच में अंपायरिंग की थी। इसके अलावा क्रिकेट की बात करें तो रिसेंटली बीसीसीआई ने मिस्टर मोहम्मद सामी, मिस्टर जसप्रीत बुमराह, मिस्टर रविंद्र जडेजा और मिस पूनम यादव को 2019 के अर्जुन अवार्ड के लिए रिकमेंड किया है। इसके अलावा रिसेंटली आईसीसी ने यूनिसेफ के साथ मिलकर वन डे फॉर चिल्ड्रन इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने का निर्णय लिया है। ये मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान आयोजित करवाई जाएंगी। इसके अलावा रिसेंटली मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी हैं, उन्हें रेड बस ने ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। इसके अलावा रिसेंटली मिस मिताली राज हैं, उनको स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेगासो गिदादा, जिनका रिसेंटली निधन हुआ है, वो किस देश के फॉर्मर राष्ट्रपति थे? राइट आंसर है इथोपिया। सो मिस्टर गिदादा इथोपिया के पूर्व राष्ट्रपति थे, रिसेंटली उनका निधन हुआ है। इथोपिया की बात करें तो इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। ये एक अफ्रीकी देश है और इथोपिया, जिबूती, एरिटेरिया और सोमालिया मिलकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं। इसके अलावा इथोपिया न्यूज़ में था क्योंकि अफ्रीकन यूनियन की रीसेंट समिट भी इथोपिया में हुई थी और इजिप्ट के राष्ट्रपति मिस्टर अब्दुल फतेह अल सिसी हैं, वो अफ्रीकन यूनियन के नए चेयरमैन बने हैं। अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो ये एक कॉन्टिनेंटल यूनियन है और इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। सिप्री के लेटेस्ट डाटा के हिसाब से मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में कौन सा देश सबसे बड़ा स्पेंडर है? राइट आंसर है यूएसए। सो रिसेंटली सिप्री ने लेटेस्ट डाटा रिलीज किया है और इसके हिसाब से यूएसए मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में टॉप पोजीशन पर है। चाइना सेकंड पर है, जबकि सऊदी अरबिया थर्ड और इंडिया फोर्थ पोजीशन पर है और फ्रांस फिफ्थ पोजीशन पर है। सिप्री की बात करें तो ये है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिप्री ने रिसेंटली एक और रिपोर्ट जारी की थी, ये थी ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर। इस रिपोर्ट के हिसाब से सऊदी अरबिया विश्व का सबसे बड़ा आर्म्स इम्पोर्टर है, जबकि इंडिया सेकंड बिगेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर है और इजिप्ट थर्ड बिगेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर है। इसके अलावा स्टॉकहोम की बात करें तो ये स्वीडन की राजधानी है। स्वीडन की करेंसी है स्वीडिश क्रोना। रिसेंटली मिस्टर स्टीफन लोफवेन हैं, वो स्वीडन के प्रधानमंत्री के तौर पर री इलेक्ट हुए हैं। अल्फ्रेड ब्राउनेल, जिन्होंने 2019 का गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज जीता है, वो किस देश से हैं? राइट आंसर है लाइबेरिया। वो लाइबेरिया से हैं और रिसेंटली उन्होंने 2019 का गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज जीता है। लाइबेरिया की बात करें तो लाइबेरिया की राजधानी है मोनरोविया। लाइबेरिया एक अफ्रीकी देश है। ARAI यानी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, वो किस मिनिस्ट्री के तहत एक ऑटोनोमस बॉडी है? राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। सो रिसेंटली BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने ARAI के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ई मोबिलिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पर कोऑपरेशन के लिए। ARAI मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज के तहत एक ऑटोनोमस बॉडी है। इनमें से किस फुटबॉल क्लब ने 2019 का स्पेनिश ला लीगा टाइटल जीता है? राइट आंसर है बार्सिलोना फुटबॉल क्लब। सो रिसेंटली बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने 2019 के स्पेनिश ला लीगा टाइटल को सक्सेसफुली डिफेंड किया है। स्पेन की बात करें तो स्पेन एक यूरोपियन देश है और स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। इसके अलावा रिसेंटली मिस्टर डोमिनिक थियम हैं, उन्होंने स्पेन में हुए बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मैन सिंगल टाइटल जीता है। इसके अलावा स्पेन ने रिसेंटली मिस सुषमा स्वराज को ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ
सिविल मेरिट अवार्ड से भी सम्मानित किया है। भारत के किस राज्य में इंडिया का बिगेस्ट स्टूको स्कल्पचर मिला है? राइट आंसर है तेलंगाना। ये तेलंगाना में मिला है और ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्टूको स्कल्पचर है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना DOPT के ई लर्निंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में टॉप पोजीशन पर था। DOPT है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशंस के तहत एक डिपार्टमेंट है। इसके अलावा तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और हैदराबाद IRDAI का मुख्यालय भी है। रिसेंटली IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक कमेटी का गठन किया है माइक्रो इंश्योरेंस फ्रेमवर्क को रिव्यू करने के लिए और मिस्टर सुरेश माथुर हैं वो इस कमेटी के हेड हैं। इसके अलावा CCMB यानी सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी का मुख्यालय भी तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है और रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने CCMB और नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट को सेल बेस्ड मीट के लिए फंडिंग प्रोवाइड करने का निर्णय लिया है। सेल बेस्ड मीट को कल्चर्ड मीट और क्लीन मीट भी बोला जाता है यानी कि इसके लिए एनिमल्स की स्लॉटरिंग की ज़रूरत नहीं होगी। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने वाली कमेटी के हेड कौन होंगे? राइट आंसर है यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी। रिसेंटली यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है और इस कमेटी के हेड हैं वो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी होंगे। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की बात करें तो इसका उद्देश्य है 2024 तक इंडिया के 102 सिटीज़ में पार्टिकुलेट मैटर की कंसंट्रेशंस को 20-30% तक कम करना। ये एक 5-year प्लान है जिसका पहला ईयर 2019 है। इसे रिसेंटली जनवरी 2019 में यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया था। रिसेंटली किस देश ने 1971 के वार हीरो लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब को सम्मानित किया है? राइट आंसर है इजराइल। सो रिसेंटली इजराइल ने 1971 के वार हीरो लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब को सम्मानित किया है। मिस्टर जैकब का 2016 में निधन हो गया था। इसके अलावा इजराइल की बात करें तो रिसेंटली इजराइल के रिसर्चर्स ने विश्व का पहला 3D हार्ट तैयार किया है पेशेंट्स के बायोलॉजिकल मटेरियल को यूज़ करके। इसके अलावा इजराइल के मिस्टर इसाक हायक ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। वो एक प्रोफेशनल सोकर मैच में खेलने वाले ओल्डेस्ट पर्सन बने हैं। इसके अलावा रिसेंटली इसराइल में इलेक्शन हुए थे और मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर री इलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा इसराइल न्यूज़ में था क्योंकि इसराइल का बेरशीट स्पेसक्राफ्ट है वो मून लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। ये इसराइल का फर्स्ट मून लैंडर था। इसके अलावा इसराइल न्यूज़ में था क्योंकि USA ने इसराइल ऑक्यूपाइड गोलन हाइट्स पर इसराइली सोवरेनिटी को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। गोलन हाइट्स इसराइल और सीरिया के बीच एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।